الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد أمالي بحس، وعليكم السلام ورحمة الله إجزامتي مرهوما أخوني يفرمايا कि सलाम वह कि अगर अम्र साकित हो जाए तो उसके बाद दोबारा इमितस की कोई चीज़ बाक़ी नहीं रहती है लेकिन जहाँ पर गरज अदना तो पूरा हो गया हो गज़ अक्सा पूरा ना हुआ हो वहाँ पर इमतस बाकी रह सकता है इस पर मरहू में इस्विहानी फरमाते हैं कि आप मिलाक दर अजा को मवाफिकत माम समझते हैं या मुआफ़त गरज समझते हैं अगर मुआफत मामोर बह हो मवाफत मामोर बह की वजह से वो मुझी हो जाता हो तो फिर उसके बाद आप कोई ये नहीं कह सकते मामोन बह से उसकी मुआफ़त हो गई अब आप कहते रहें इसका गरज है अदना क्या था अकसा क्या था उससे क्या लेना देना है मामून उन पर क्या था पानी लाओ ये पानी लेके आ गया वो अम्र साखित हो गया खत्म हो गई बात ठीक ये आपने दरमियान में से कहाँ से शुरू कर दिया कि इसका गरज अक्सा है गरज अदना है ये अदना पूरा हुआ है अक्सा पूरा नहीं हुआ है इसलिए आप दोबारा पानी ले आ सकते हैं इन सब की जरूरत नहीं अगर आप कहते हैं नहीं इजा जो है वो मुआफत मामून पर नहीं है मुआफत गरज है तो मुआफ़त गरज में से वो गरज की मुआफकत होगी जो अब कर सकता है अब क्या कर सकता था तमकीन कर सकता है। ना? वो आकर उसे मतमकिन कर सकता था पानी ला के उसके टेबल पर रख सकता था ठीक इससे ज्यादा तो आप कर नहीं सकता जो नहीं कर सकता है वो तो आप आपसे से नहीं मांग सकते ठीक इस सूरत में अगर पहला सूरत क्या था मामोरनबे मुआफा थे मामबे मिलाक हो मा, मामूरबे तो हो गया खत्म होगी बात आपकी तफसील नहीं आई गज अदना अक्सा नहीं आया दूसरा यह कि हमने मान लिया कि गरज ही मिलाक है गरज से अम्र साखिब होता है व इल्ला अम्र साख नहीं होता है तो कौन सा गरज होगा जो मैं कर सकता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ पानी ले जाके रख सकता हूँ ठीक मैं पानी उसके हलक में जबरदस्ती उंडेल तो नहीं सकता ठीक जो मेरा अमोर बे था वो मैंने अंजाम दिया उससे जो गरज मुझसे मुताल था वो गरज भी पूरा हो गया थे? अमर फिर भी खत्म हो गया ठीक यानी यहां पर कहानी आकर ये बयान कर रहे हैं कि अगर आप का मिला तकुक बे हो तो भी अमर साखिद है अगर मिलाक तहकुक गरज हो तो भी अमर साखिद है बस इम्तिसाल, इम्तिसाल मुमकिन नहीं है ठीक फिर वो खुद ही कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है कि गरज आपका वो हिस्से ये खासा हो यानी वो पानी टेबल पे रखना हो जिससे रफ ए आतश हो जाए गरज ये है गरजला के पानी टेबल पे रखना नहीं है थी? वो पानी टेबल पे रखना है जिससे मौला का जिसको मौला ने उठा के नहीं पिया क्यों नहीं पिया मुतव नहीं हुआ हाथ लग के गिर गया कुछ भी हो गया ना, आपका मामूल पूरा नहीं हुआ है आपका गरज पूरा नहीं हुआ है यहाँ आकर मोखानी कहते हैं कि ये जो पूरा नहीं हुआ यह ना बेह पूरा हुआ है ना ही गरज पूरा हुआ है तो यानी ये इमतिस ही नहीं हुआ है क्योंकि अम्र ही उस हिस्से पे था मुतला के पानी पे नहीं था उस हिस्से ये पानी पे था जिसे मोला उठा के पी ले जिस हिस्से से उसके अतश जो है वो बरतरफ होती हो थे. फिर इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हुआ कि निजा लफजी है ना आप भी मान रहे हैं कि इम्तिसाल बादल इम्तिसाल हो सकता है आखुन भी कह रहे हैं इंतिसाल बादल इम्तिसाल हो सकता है ठीक है ना आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसे इम्तिसाल बादल इम्तिसाल ना कहो ठीक है नहीं कहते जो भी आप कहेंगे यही हो सकता है या नहीं हो सकता ना हमारी बात इसी जगह पे है ना हमारी बात तस्मिया पे नहीं है कि आप इसे बादल इमतिस न कहें इसलिए कि जो पहले हुआ है वो असल सिरे से इम्तिस नहीं है ठीक है ना आप कहें ठीक हो गया जी पहले हुआ तो है ना कुछ जैसे आप कह रहे हैं वो असल इम्तसाल नहीं है उसका जो भी माम नाम रख लें उसके बाद आया दोबारा इमतसाल हो सकता है या नहीं हो सकता आफुन कहते हैं हो सकता है ठीक क्यों हो सकता है इसलिए कि अभी गरज बाकी है ठीक है हम आखोन से कहेंगे आखोन आप कह रहे हैं कि गरज बाकी है ठीके? हमें क्या चाहिए हमें गरज बाकी नहीं चाहिए हमें अम्र बाकी चाहिए गरज बाकी हो, होम्र बाकी न हो ठीक है ना तो इम्तिसाल बादल इम्तिसाल नहीं हो सकता आप कहेंगे भाई गरज जब बाकी है ये पानी अभी उसने नहीं पिया है उसका गरज अक्सा क्या था पानी पीना था ठीक इसलिए जो दूसरा इम्तिसाल हुआ है वो क्योंकि मुमिद है गरज अक्सा के लिए ये पानी अभी भी लाया जा सकता है इम्तिसाल बाद इम्तिसाल किया जा सकता है वलो अमर बाकी न हो क्योंकि गरज बाकी है इसलिए इमतसादल इमतिस मुमकिन है ठीक है न तो हम कहेंगे अच्छा ये दूसरा लाया है ये अमृत शर की वजह से लाया है या अमृत अखली की वजह से लाया है जे? वो शर ई की वजह से पहला गिलास रख दिया था उसकी वजह से अमृत शर खत्म हो गया आप कह रहे हैं क्योंकि इसने अभी तक पिया नहीं है इसलिए अकल कह रही है कि आप दोबारा ला सकते हो ठीक है ना और दोबारा ले जाके वहां पे पानी रखो इसलिए अगर वो पानी गिर गया हो ठीक तो मोला चीखेगा पुकारेगा कि पानी लाके क्यों नहीं रखा क्योंकि मैंने तो रख दिया था वो कर, नहीं हमारे रखने से क्या होता है तुम्हें अकल नहीं है अब तो, अगर ये मोला है और ये दोबारा कह रहा है और आम ने दोबारा रख दिया तो ये क्या होगा आमने जी दी थी अव्वल है पानी पहले कहा पानी लाओ यहाँ पे पानी रखा गिर गया ठीक है ना उसके बाद दोबारा वो कहता है पानी लाओ अगर वो दोबारा कहता है तो फिर अम्र जदीद आ गया आप पानी ला सकते हैं दोबारा अगर वो खुद दोबारा नहीं कहता है कौन कहता है अकल कहती है ना अकल कह रही कि पानी गिर गया है आप दोबारा ले जाके पानी वहां पे रख दो ये जो इम्तिस होगा ये अमितसा है अम्र शर् होगा या अमरे अकली होगा ठीक है ना ये अमितसाज है अखिल अकली है ये हमारे लिए काफी नहीं है ठीक अब इसमें जब हमने ये कहा कि ये इम्तसा अमर अकली है और ये अमर अकली काफी नहीं है हमें अम्र क्या चाहिए शर् चाहिए ठीक है ना खौब यहां पर आके कुछ लोग थोड़ा सा और सख्त हो जाते हैं और सख्त होके कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि वो गरज मुतहक नहीं हुआ है वो गरज भी मुतहक हो गया है थी? गरज क्या था गरज तो मक्खन था ना उसने पानी जो रखा उसका अमर शराइ भी पूरा हो गया और गरज भी उसका पूरा हो गया पहले हमने कहा था कि अमर बाकी नहीं रहता गरज बाकी रहने से अमर बाकी नहीं रहता अब हम आगे बढ़ के और हमला कर रहे हैं हम कह रहे हैं अब न अमर बाकी है न गरज बाकी है इसलिए कि उसका गरज क्या था कि उसके सामने पानी हो ठीक है ना पिए ना पिए तो उसको अमल है मुझसे तो उसका गरज नहीं है ना मुझसे जो गरज हो सकता है वो क्या है कि मैं पानी ले जाके उसके टेबल पे रख दू इसलिए गरज भी बाकी नहीं है ये अगर कोई आगे कहता है इसके हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर आपका अमर बाकी नहीं है तक तो हम आपके साथ हैं आप आके जो और आपने हमला कर दिया कि गरज भी बाकी नहीं है ये हम नहीं मानते क्यों इसलिए कि टेबल पर पानी होना गरज नफसी नहीं है ये गरज गैरी है ना गरज नफसी क्या है पानी का पीना और पीनाश ठीक ये गरज है लेकिन गरज नफसी नहीं है ये गराज गैरी है ठीक है ना इस गरज गैरी के पूरा होने से गरज पूरा नहीं होता गरज नफसी पूरा नहीं होता वाजह है ठीक अगर आप ये कहते हैं गरज हासिल हुआ है तो गरज हासिल नहीं हुआ ठीक मैं हॉस्पिटल में था कौम में और बहुत सदी दर्द हो रहा था मेरे पिते में पथरियाँ थी वो मुझे नहीं पता था कि पथरी दर्द हो रहा था और दर्द खत्म हो ही नहीं रहा था डॉक्टर से कहा था उसने कहा चलो इंजेक्शन मंगवाओ इंजेक्शन लगाते हैं जो साहब मेरे साथ थे उनसे कहा कि ये इंजेक्शन हॉस्पिटल में नहीं है जाके ले आओ ठीक वो गया और फिर नहीं आया मैं दर्द दर्द समय थोड़ा तो घंटा हो गया दो घंटा हो गया वो गया। नहीं आया ठीक थोड़ी देर बाद नजर भी आया शायद इसको नहीं मिला बेचारा गया होगा इसे मैं क्या कहूं बेचारा घूम फिर आया है अब जब इसको नहीं मिला तो फिर आपको मर्जी है आपने जो अमर किया है वो तो साकित हो गया ना ना उस बेचारे ने कोशिश की सब कुछ हुआ कुछ भी नहीं हुआ थोड़ी तो देर बाद मैंने उससे कहा कि अगर नजदीक से नहीं मिलता तो दूर से जाके ले आओ कहता तो क्या इंजेक्शन तो मैं तो दो घंटा पहले ले आया है दो घंटे पहले ले आयो कहते हाँ कहते किधर है वो टेबल पर रख दिए <laughs> भाई टेबल पर रखना मेरा गरज थोड़ी था <laughs> ठीक है कहता मैं पहले भी जो दवाइयां लेके आता था लाके मैं टेबल पर रख देता था <laughs> कि जब भी आपको जरूरत हो और नर्स आपको लाके दे दे <laughs> भाई वो टेबल पे रखना गरज है गैरी <laughs> है गरज नफसी क्या है वो इंजेक्शन मुझे लगे तो नजर भी आ रहा है तो दर्द का भी अंदाजा है ठीक तो है इंजेक्शन तो तो लेके आओ ठीक है मामूरन पे जो है साकेद हो गया बस अगर कोई आके कहे के गरज भी साकद है ये तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है इसलिए हमें एक्सपीरियंस है ठीक है न वही गरज जो है वह हासिल नहीं है और ये कह सकता है कि मून पे हासिल हो गया उससे आगे कोई ला के तो मैं इंजेक्शन लगाना मेरा काम नहीं था ठीक है ना मैंने उस नर्स को मतमक्न कर दिया था अब उस नर्स ने वहां से नहीं उठाया खैर उसको तो जाकर नर्स को हद्दाकल बताना चाहिए था ठीक है यह हद आगे मुझसे अहवल करनी चाहिए थी खुलासा अब बस ये अगर आप आगे कहते हैं कि अमर बाकी नहीं रहा वो तो हम मान लेते हैं अगर आप कहते हैं गरज भी बाकी नहीं रहा वो हम नहीं मानते ठीक हम कहते हैं कि जब आपने गरज के तो आपने साइड पर रख लिया गरज से तो मुश्किल हल नहीं होती है हमें असल मसला अम्र के साथ है हमें अम्र बाकी हो तो मामोर बे होगा इम्तिस होगा वही वो दा, 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 ये अकल बे है अकल आपने अंजाम दिया वो द, अकल आपको तहसीन भी करे आपको शाबाश भी करें उससे हमें कोई लेना देना नहीं है अभी हम हमारी बहस इमतिस बादल इमतिस है जैसे पहले को कोमतिस होना चाहिए वैसे दूसरे को भी इमतसाल होने के लिए अमर चाहिए हा वो कहते हैं अच्छा आपको अमर चाहिए हम आपको अम्र ला कर देते इमतिस माम पे इमतिस अव्वल के बाद भी अमर बाकी है लेकिन वो अलाफलिया बाकी है अला फाइलिया व तहरीक बाकी नहीं है ठीक इस तरह क्यों देख रहे हैं कहा आ गई उन अमर बाकी है अम्र तो बाकी है वो अम्र क्या नहीं कर सक रहा है वो अम्र आपको तहरीक नहीं कर सकता वो एक अमर का मरहला है ठीक है ना उसमें फाइलियत और तहरीक चाहिए ठीक है ना खौब वो नहीं है लेकिन क्या बाकी है फैलियत बाकी है ठीक है ना अम्र तो है आपको अम्र चाहिए था ना अम्र है अम्र से पहले इम्तिसाल से क्या चला गया वो पहले जब आपने अम्र किया था तो वो भाग के जाता था पानी लेके आता था बास था तहरीक था फाइलियत था उस अम्र में ठीक है वो सब करने के बाद वो बास वो तहरीक और फाइलियत खत्म हो गया खुद है अम्र और उसकी फैलियत तो बाकी है ना वो तो कहीं नहीं गया थे? आपको सानी के लिए क्या चाहिए था अमर चाहिए अमर आम, चाहिए था वो अमर तो बाकी है ठीक हाँ बस अमर का वो दूसरा इमतसाल कर रहा है गरीब आदमी बगैर उसके भी आप उसको कह रहे हैं कि ये इम्तसाल तुम्हारा तो इमतिस ही नहीं, नहीं है है ना एक दफा जोर से कहना पड़ता है आपको जोर लगा के, के आप मुताल करें मुआसा करें फलान करें उसमें बास और तहरीक फलान चाहिए अब आप लोग हो गए बालिग हैं ठीक आप बुजुर्गान में से हो गए फालग तहसील हो गए आप फलान हो गए ठीक है और तो बाकी है ना उसमें वो बास और तहरीक और फालियत नहीं है अगर ठीक किस लिए वो अमर बाकी है इसलिए अगर आप अंजाम दें तो आपको सवाब मिल जाए आपका इमतिस हो जाए ठीक ओ इसके जवाब में वो कहते हैं कि आपने ये तो मान लिया ना कि इस अमर में फाइलियत और तहरीक नहीं है ठीक है ना जब फाइलियत और तहरीक नहीं है तो फिर इस अम्र का क्या फायदा जिसे आप अभी कह रहे ठीक ओ हम ये कहते हैं कि ये अम्र तो है ना अगर से उसमें फाइलियत और तहरीक नहीं है ये जो अम्र है ये इमतिस के लिए काफी है ठीक है कहेंगे वो अम्र जिसमें फाइलियत ना हो उस अम्र का क्या फायदा ना आप कहेंगे कि उस अम्र का फायदा जो अम्र जिसमें फाइलियत और तहरीक है वो लुजूम इमतिस के लिए चाहिए आप एक अम्र करें जिसमें फाइलियत और तहरीक ना हो और वो अंजाम ना दे अगला बंदा तो आप उसको जाके नहीं कह सकते कि तुमने क्यों इमितसाल नहीं किया? और आपने ऐसे कहा ही नहीं। मैनेजमेंट में अक्सर जो मैं गलतियां देखता हूं और हम लोग थोड़ा सा अपने एहतराम और फलान की वजह से जब करते हैं उसमें जब हम अगले से बात कर रहे होते हैं उसमें अथॉरिटी नहीं होती यानी वो ये समझ रहा होता है हम तो उसको इज्जत देके के एहतराम देकर कहते हैं कि आप ऐसा कर लें ठीक है ताकि उसको वो ना लगे मोहतरमाना अंदाज में कहा जाए ठीक है अगला समझता है कि इसमें क्या है तरखीज फितरक मौजूद है इसने अथॉरिटी से कहा ही नहीं है इसमें पास व तहरीक ही नहीं है वो ना होने से क्या नहीं आता में इम्तिसाल नहीं आता है हम अभी हमारी बात वजूब इमतिस लुजूम इमतिस पे नहीं है ठीक है ना हम कह रहे हैं वो जो लुजूम इमतिस था वो तो पहले पानी से हाल हो गया अमितसान अव्वल से हाल हो गया अब एक आदमी खुद से अगर इमतिस कर देता है वो सही है या सही नहीं है कि बात है ठीक अगर आपने ये साबित कर दिया कि यहाँ पर अम्र है वो अला अलाफ अलिया है अला मुस्तवल फाइलिया नहीं है फिर भी बाद है बमतिस क्या हो जाएगा जी मुमकिन होगा ठीक असल जवाब इसका यह है कि जब आपने मोरन पे अंजाम दे दिया इमतसाल कर लिया तो वो अमर अला मुस्तवल फेलिया कहाँ से है और उस मुस्तवल फैलिया पे जो अमर टिका हुआ है आपने अंजाम देने के बावजूद ठीक है ना इसका क्या फायदा है ये कहाँ से आप कहते हैं कि वो अला मुस्तवल फेलिया मौजूद है हम इसी को नहीं मानते नहीं ये हम कहेंगे अला मुस्तौल फेलिया तो है लेकिन अलामस्तवल फाइलिया और तहरीक होना चाहिए ये जरूरी नहीं है थे? हम कहते हैं आप हम मैंने इंतजाल कर दिया इंतजाल करने के बाद वो अमर पूरा का पूरा खत्म होना चाहिए अगर वो खत्म ना हुआ वो, वो फैली रहा इसका मतलब तलवार तो लटक रही है ना, अमर बाकी है अम्र तो द नहीं हुआ बस ये जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अलामस्तवल फैलिया है हम इसको ही नहीं मानते हम कहते हैं ये अगर है तो ये क्या है लाग है और बिलाफायदा है, है? हुँ। 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 वो कहते हैं अच्छा अगर अमर अला सवाल फेलिया भी नहीं है ठीक तो इसको हम आपको समझा देते हैं कि अम्र अला अलाम फैलिया जो है वो बाकी रहता है ठीक अम्र क्या है इरादा ठीक आप इरादा करते हैं कि आपके लिए यहाँ पे खाना आ जाए नाश्ता आ जाए आप लोग नाश्ता करके आए अभी किया फिर तो बड़ा नाश्ते के से आपको भूख ज्यादा लग जाएगी ठीक है ना आपका इरादा यह है कि नाश्ता लगाओ ठीक है ना अभी वो जो बर्तन समेटने समेटने आया था आ था आपको बड़ा जी चाह रहा के बजाय एक एक चाय दे जाए ठीक है ना इरादा था ना ठीक हा चले कल हम आपको चाय दे देंगे अभी से वक्त खत्म हो गया ठीक हा ये इरादा आपके मामोरनबे के बाद आपको लाके यहाँ पे खाना दे दिया ठीक आपने अमर किया अमर का क्या मतलब इरादा ठीक है ना खाना आ गया आपने खा लिया पहले तो बास था तहरीक था खाना आते साथ ही आप उसके ऊपर टूट पड़े जपटे जो भी आप कहें, या आपने बड़े अंदर से था, बहुत हथा जा बड़ा आराम आराम से खाया है, एक ये है कि जितना जहां भी खाने को मिले और जितना खाने का जी चाह रहा हो उसे खाएं ठीक है ना अभी बास वो तहरीक और फैलीत से निकल के बात ठीक है कि अगर आपके सामने खाना आए तो झपटना नहीं चाहिए वो अलग मसला है आदाब अपनी जगह है लेकिन जितनी भूख लग रही है उतना खाना चाहिए इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है शर्माने वाली बात नहीं है का मतलब क्या है आप शर्माए कम खाएं ज्यादा खाएं क्या फर्क पड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है ना लेकिन ये आपकी शख्सियत का आकाश है कि आप अपने अमाल में लोग जब हैं और लोग जब नहीं हैं इसमें अगर फर्क आ जाता है तो आपकी शख्सियत मजबूत नहीं है अगर आप कहते हैं ना कम खाना अच्छा है फलान अच्छा है तो जब अकेले हों जब अपने डाइनिंग हॉल में हो तो तब भी उसी तरह कम खाए ना ठीक लोगों में जाके सिर्फ कम क्यों खाते हैं इसलिए कि आपको आपकी नजर में लोग अहम हैं ठीक एक आदमी घर आया और मामूला जो ज़्यादातर होता भी है आगे उसने अपनी बेगम से कहा कि बेगम खाना लेके आओ कहा तुम दावत से हो क्या हो यार वहाँ लोग ज़्यादा थे तो सारा नहीं खा सका भूख अभी बाकी है ठीक है इसलिए दोबारा खाना लाओ तो उसका जो बच्चा था उसने कहा बाबा नमाज भी दोबारा पढ़ो कहा क्यों कहा जैसे तू दोबारा खाना खा रहा है ना लोगों की वजह से जब तूने खाना पूरा नहीं खाया तो जब नमाज पढ़ी है तो लोगों की वजह से तो उन्हें नमाज भी लंबी पड़ी है खाना कम खाया है नमाज लंबी पड़ी है सिर्फ खाना दोबारा नहीं खाओ नमाज भी दोबारा पढ़ो है ना हम जो कह रहे हैं ना हमें आपके खाने ना खाने से कोई काम नहीं है लेकिन ये खाना ना खाना आपकी शख्सियत काकाश है ना? ये अगर लोगों की वजह से कम खा रहे हैं वो शख्सियत लोगों की वजह से लंबी नमाज पढ़ेगी अगर आप नमाज लोगों की वजह से ज्यादा अपनी नॉर्मल नमाज से ज्यादा करके पढ़ रहे हैं आपकी नमाज बातिल ठीक हो आ जाए वापस ये कह रहे हैं इरादा तो है ना इरादा तो कहीं नहीं गया ठीक खाना जब आपने इस किसी रेस्टोरेंट में जाके खाया आपका जी भर गया आप क्या कहते हैं इसे पार्सल कर दो पैक कर दो क्यों इरादा वाकई है अभी दोबारा भूख लगी फिर खाऊंगा ठीक है ना उस इरादा में कमजोरी आई है वो फाइलियत और तहरीक खत्म हुआ है लेकिन फैलियत खत्म नहीं हुई इरादा बाकी है आप कहिए इरादा का बाकी होना अबस है नहीं भी कोई अबस नहीं है ठीक है ना फाइलियत नहीं है तहरीक नहीं है लेकिन फैलीत अबस नहीं है इसलिए कि मैं वो खाना पैक करा के साथ लेके जा रहा हूं आप खाना खत्म होने के बाद आप कहते हैं इसको फ्रिज में रख दो क्यों इसलिए कि अभी इरादा बाकी है अभी वो अमर की फैलियत बाकी है ये इसे क्या कहेंगे ये हमसे क्यों कह रहे हमने कब कहा है कि अमर जो है वो इरादा है ठीक है ना हम हमसे नहीं कहो ये सियाद्दीन इराकी कहो अभी हमने पढ़ा था ना ठीक है ना वो क्या कहते थे अमर बेमाना इरादा है ठीक है ना वो इरादा अभी भी फैलियत में बाकी है आप जाके उनसे कहो ठीक है ना हम क्या कहते हैं अमर क्या है जलोबार है वो और एतार खत्म हुआ नहीं हुआ वो खत्म हो गया ठीक जब वो खत्म हो गया तो फिर कहानी ही खत्म हो गई ठीक अभी पूरी तारीख है ना ये तो ठीक है ना इस बहस की पूरी तारीख है ना उसमें आप इनको निकालेंगे तो आपको सारे इन आ जाएंगे ठीक अफरागे तो कुछ का हमने नाम लिया कुछ का हमने नाम नहीं लिया इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम क्योंकि उनकी सारी बात नहीं करते इसलिए वो नाम नहीं लेते दूसरा वो नाम निकालना आप लोगों का काम ठीक है ना हमने तो आपको असल बात समझानी है ना? असल चीज़ समझ में आने के बाद वो कभी कभार बहुत लंबा लिखा होता है कभी कभार बहुत मुख्तर लिखा होता है दोनों तरफ से मुश्किल होता है ठीक है न कभी वो एक जुमले में दो कलिमान में लिखा होता है उसको हमें पूरा सफ़ा बनाना पड़ता है कभी पूरा सफ़ा लिखा होता है उसको हमें दो कलिमान में बयान करना कि असल बात समझ में आ जाए ठीक अब इसके सहारे उनको तदबीर करना फलान करना इबारत पढ़ना ये सब तो मुमकिन यहाँ नहीं ये यह आप लोगों का अपना काम ये आप काम करेंगे और असल में सर बहस को समझना है, में असल है? असल क्या है? किसी एक हिस्से के हम इनतुल को तो थोड़ा ज्यादा बयान करते हैं सारों को भी बयान नहीं करते फिर उला तुलानी हो जाती अच्छा ये सारे इन कुलतकुल तो कुल सब मुशाबे हैं असल अगर समझ में आ जाए ना कि इस बात को लेके यहाँ से चला जा सकता है कि आप उसको कहें जे आताएं ये सुकूत जो है वो मामूरबे की माफ़त से है या गरज की मौफ़त से है मामूरनबे कहें तो हम इस तरह चलेंगे गरज कहें तो हम इस तरह चलेंगे इन गरज में आप अगर गरज को आप दो कर दें ठीक है फिर हम किस तरह आएंगे ये असल ये समझना है ये बाकी जो मवाद है वो बेशक ख़त्म हो जाए असल नहीं समझ में आना चाहिए आपको कि इसको किस तरह टैकल किया जाता है और इस कस्म के तराज को किस तरह जवाब दिया जाता है ना? और कहा कमजोरी रह जाती है जिसकी वजह से इस्काल आ जाता है ने? और कहा से उस इश्काल को पकड़ा कहां से जाता है इन चीजों पे काम करने की जरूरत है